आपको HB1 क्यूबिकल में जितने सारे इक्विपमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HB2 क्यूबिकल में कौन कौन से इक्विपमेंट है, कौन कौन से MCB है। तो बेसिकली जितने भी हमारे 1 नंबर के ऑक्सिलरी मोटर्स और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं उसकी MCB HB1 में होती है, और जितने भी 2 नंबर वाले होते हैं उसकी MCB 2 नंबर में होती है। और कुछ जैसे ब्लू फैन हो गया, एसी हो गई, सॉरी एसी नहीं, एक्टिव फैन हो गया, वेंटिलेशन हो गया, उसकी MCB HB1 में होती है। तो फिलहाल अभी हम HB2 से करने जा रहे हैं। HB2 में जैसे MCB कह रहा है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 2 EFOP 2 2 नंबर का MCB है। उसके बाद एसआर ऑयल पंप 2 2 नंबर के एसआर ऑयल पंप के MCB है। मेन कंप्रेसर 2 2 नंबर के मेन कंप्रेसर का, TMB2 SCTMB2 OCB2, नीचे MRB2 SCMRB2, ये जो है AC की MCB है, मेन MCB AC, और ये है SR की रेडियल फैन की MCB है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी किसी लोगों में एक ही MCB है रेडियल फैन के लिए और SR ऑयल पंप के लिए, और किसी किसी लोगों में 2 MCB अलग अलग दिया गया है, रेडियल फैन के लिए अलग और ऑयल पंप के लिए अलग। इस लोको में वही स्कीम है। और ये जो है बैटरी चार्जर की MCB है, बैटरी चार्जर MCB 100। फिलहाल हमारा ये जो लोको है इसमें बर्ब को मॉडिफाई करके इसमें MRB जो है सिंगल फेज पे नहीं है, MRB जो है मॉडिफाई करके 3 फेज पे डाला गया है, बर्ब पे डाला गया है। तो जब MRB, आप इधर आ जाइए, जब MRB बर्ब पे डाला गया है तो इस केस में जो है MRV की टाइमर हट जाएगी, जो हमारा कैपेसिटर का असेंबली होता है वो सर्किट से रिमूव हो जाएगा, और ऊपर में जो इक्विपमेंट है ये हमारा MRV का कॉन्टेक्टर हो गया। और पहले यहाँ टाइमर हुआ करता था, कॉन्टेक्टर का भी फिलहाल कोई खास रोल है नहीं। इसके 4 नंबर से जो 110 की जो 4 नंबर से जो आउटपुट निकलती है वो जाती है कार्डबोर्ड, जो कार्ड पे ये रीड कराती है कि कैपेसिटर जो है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो ऑफ हो गया। तो बस इसका काम फिलहाल उसी के लिए बचा हुआ है कि इसके 4 नंबर के आउटपुट जाके कार्ड को रीड कराएगी, हमारा ऑक्सिलरी कैपेसिटर जो स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो सर्किट से ऑफ हो चुका है। इसके बाद ये हमारा जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर के में अगर अर्थ फॉल्ट आया तो उसको रीड करने के लिए ये रिले है 89.2। उसके बाद लोड शेयरिंग के 2 कॉन्टेक्टर्स हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर्स हैं, ये जो है हमारा मेन CP का कॉन्टेक्टर है CP2 का, और ये जो है AC का कॉन्टेक्टर है 52/7। ये सर्विस में तभी आएगा, हमारा AC तभी वर्क करता है जब हमारे तीनों बर सर्विस में होते हैं। कोई भी एक बर सर्विस में नहीं होता है तब AC का कॉन्टेक्टर जो उसकी कॉइल पिक नहीं होती और AC सर्विस में नहीं आ पाता है। नीचे हमारे बर के कॉन्टेक्टर्स वगैरह हैं, उसके नीचे जो है 2 CTs हैं ऑक्सिलरी करंट के लिए, को मेजर करने के लिए 2 CT लगी हुई है, और इसके बगल में जो है ऑक्सिलरी कन्वर्टर अर्थ फॉल्ट की रिले के जो असेंबली के जो 2 रेजिस्टेंस है,